इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कर्व ड्रिवन पैटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली लेक्चर में हमने मिरर पैटर्न सीखा था। मिरर पैटर्न और सर्कुलर पैटर्न को डिलीट करें तो कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कीजिए मिरर पैटर्न प्लेन वन, सर्कुलर पैटर्न टू, बॉस एक्स रूट टू, सर्कुलर पैटर्न वन। राइट क्लिक करें, डिलीट एस टू ऑल। इस स्केच को भी डिलीट करेंगे तो इस पर राइट क्लिक करें, डिलीट यस। अब हम कर्व ड्रॉ करेंगे तो ये फेस सेलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल व्यू। एलिप्स कमांड की मदद से एलिप्स ड्रॉ करेंगे। एग्जिट स्केच कीजिए। फ्यूचर्स पे क्लिक करें, लीनियर पैटर्न के नीचे इस एरो पे क्लिक करें और यहाँ पे कर्व ड्रिवन पैटर्न पे क्लिक करें। डायरेक्शन वन में सेलेक्ट कीजिए कर्व, तो हमने जो कर्व ड्रॉ किया था वो सेलेक्ट करेंगे। तो हम ये कर्व सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कि आप कितना नंबर ऑफ पैटर्न चाहते हैं, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इनपुट करें और यहाँ पे स्पेसिंग कि एक इंस्टेंसेस से दूसरे इंस्टेंसेस के बीच का गैप, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डायमेंशन इनपुट करें और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया गया है, फ्यूचर्स एंड फेसेस और बॉडीज। तो हम यहाँ पे फ्यूचर्स सेलेक्ट करेंगे तो इस बॉक्स में क्लिक करें और इस एरो पे क्लिक करें और सेलेक्ट कीजिए कट एक्सट्रूड वन। तो यहाँ पे देखिए प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि कर्व ड्रिवन पैटर्न अप्लाई हो रहा है। इसे ऊपर की तरफ ड्रैग कीजिए, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हम इसे 10 इनपुट करेंगे और बीच का गैप 30 mm, एंटर, और इसे इंक्रीज करेंगे 11। ओके कीजिए। तो ये देखिए सेलेक्टेड कर्व पे कर्व ड्रिवन पैटर्न अप्लाइड हो गया। कर्व पैटर्न फोर पे राइट क्लिक करें और एडिट फ्यूचर, इसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है इंस्टेंसेस टू स्किप पे क्लिक करें और इस बॉक्स में क्लिक करें। अगर आप कोई भी इंस्टेंसेस को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करें, जैसे हम इसे रिमूव करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे रिमूव करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे और ओके कीजिए। तो ये देखिए सेलेक्टेड इंस्टेंसेस रिमूव हो गया। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।